नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 129 और आज का जो टॉपिक है हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के साथ। इंडियन पॉलिटी की एक टॉपिक पार्लियामेंट्री कमिटीज। मैं आपको इसको कम से कम दो भागों में तो करा ही दूंगा, बाकी तो देखते हैं कितनी इसमें क्लासेस लगेंगी, क्योंकि थोड़ी सी लंबा प्रोसेस है। इसमें स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज और साथ ही साथ कंजुलेटिव कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज, इन सब पर हम लोग एक विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। राइट, रिलेटेड है गवर्नेंस, पार्लियामेंट एंड कमिटीज से, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमिटीज। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना, यू आर वेलकम टू एनरोल इन अवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन द पीटी वेबसाइट। तो हम लोगों ने ये लॉन्च किया है, एक्सीलेंट करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स कवरेज है। इसका जो लेवल वन है वो है सीए बूस्टर प्रीमियम, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पे सारे मतलब इंसाइट्स वगैरह मिलेंगे बहुत बढ़िया से, 45 मिनट लगभग हर एक सेशन होता है। और दूसरा है पावर ऑफ 10, जो इसका अगला वर्जन है, लेवल 2 है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बोलें कि इसमें एनरोल की करें। राइट, बहुत ही मतलब यू विल बिकम अ पावर हाउस ऑफ अ इंटेलेक्चुअल माइंड। राइट, उसके बाद दूसरा हमारे बुक स्टोर पे रिलीज हो चुका है समसामयिकी घटना 2020 की पूरी एनुअल कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की हो चुकी है, दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का काम। व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमेटी? तो कोई अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, हर चीज के लिए कमेटी बनाई जाती है। अभी सरकार ने भी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी भी बनाई थी किसानों के लिए, तो आज तो एक बहुत ही अच्छा एक अवसर भी है इसको डिस्कस करने का कि कमेटी एक्चुअली करती क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल चार पैमानों पर टिकी है, फोर कंडीशंस। पहली, पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस या नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। आप सभी जानते हैं लोकसभा के लिए स्पीकर होता है, राज्यसभा के लिए चेयरमैन होता है। तो या तो सदन द्वारा ही अपॉइंट इलेक्ट किया गया हो, या फिर स्पीकर और चेयरमैन में से किसी एक ने भी नॉमिनेट किया हो, ऐसी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाएगी। दूसरा, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, क्योंकि हर चीज एक रूल स्ट्रक्चर में हो तो ज्यादा अच्छा है ना, तो स्पीकर और चेयरमैन के डायरेक्शन में ही काम करेंगी। प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर और चेयरमैन, हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी द्वारा एक सेक्रेटेरिएट हो। तो ये जो चारों कंडीशंस जो फुलफिल करती हैं, उन्हें कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब इन चारों पे जो नहीं आता है वो कहलाता है कंजुलेटिव कमिटीज। राइट, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विषय है वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्ट वन। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है एडहॉक कमेटीज। ठीक, स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटीज वो कमेटीज होती हैं जो परमानेंट होती हैं नेचर में, हर साल अपॉइंट की जाती हैं, परमानेंट बनी रहती हैं। राइट, और एडहॉक कमेटीज वो कमेटीज होती हैं जो टेम्पररी होती हैं, जिनकी जरूरत होती है तब इनसे अपॉइंट करते हैं, टास्क देते हैं, टास्क कंप्लीट किया फिर इसे समाप्त कर देते हैं। राइट, तो कमिटीज दो टाइप की हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़े, चलिए अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज। अब स्टैंडिंग कमिटीज की है 6 कैटेगरीज। आपको मालूम है स्टैंडिंग कमिटीज कौन सी कमिटीज होती हैं? जो परमानेंट होती है नेचर में। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। आइदर आप मेंस लिख रहे हैं या प्रीलिम्स दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कीवर्ड से आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो स्टैंडिंग कमिटीज आर दोस कमिटीज विच इज परमानेंट इन नेचर। अब 6 तरीके की स्टैंडिंग कमिटीज हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले है फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी के अंदर आते हैं 3 कमिटीज। सबसे पहला क्या है? पीएसी। पीएसी बोले तो पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी। दूसरा है ईसी। ईसी बोले तो इलेक्शन कमीशन, नहीं इलेक्शन कमीशन नहीं, एस्टिमेट कमिटी। कमिटी पढ़ रहे ना, तो एस्टिमेट कमिटी। तीसरा है पीयूसी, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। क्लियर, तो पीएसी, ईसी, पीयूसी। राइट, इसको अगर आपको याद रखना है तो आप पेसू के तौर पे भी इसको याद रख सकते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पे, डिपार्टमेंटल कमिटीज, जो 24 तरीके की है, लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में, आप आराम से उसे पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी है कमिटी टू इंक्वायर, इसमें आपका आता है कमिटी ऑन पेटिशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, एथिक्स कमिटी भी होती है। चौथी आती है कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, जैसे गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उप। क्लियर, तो ये 4 हो गए, बाकी 2 कौन से? सर ये रहे, कमिटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस,
दिन प्रतिदिन जो क्रियाएं सदन में चल रही होती है उनके लेके भी एक कमेटी होती है, बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, आरसी यानी राहुल चौधरी, अरे नहीं नहीं वो तो मेरा नाम है, आरसी मतलब रूल्स कमेटी। तीसरा है प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। चौथा है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑन द हाउस। तो मतलब जो लोग लगातार गायब हो रहे हैं ना सदनों में से उनके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई है, ध्यान रखिएगा अपडे टू डे बिजनेस हाउस में आती है। सर्विस कमेटी, जनरल पर्पज हाउस कमेटी, फिर लाइब्रेरी कमेटी एंड ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। तो ये छह की छह जो कैटेगरीज हैं ये किसके अंदर आती हैं, स्टैंडिंग। तो ये छह की छह में हमने जो जितनी भी पढ़ी ये सारी परमानेंट होती हैं, यस सारी परमानेंट होती हैं, क्लियर। चलिए अब एडहॉक कमिटीज की बात कर लेते हैं। अब एडहॉक कमिटीज सिंपल है क्योंकि टेम्पररी है, जब कोई टास्क इसे असाइन करना हो तभी इसका गठन होता है। तो इसके होते हैं दो कैटेगरी। सबसे पहले इंक्वायरी, नाम से समझ में आ रहा है, स्पीकर या चेयरमैन द्वारा यह गठन की जाएगी या फिर दोनों सदनों में से किसी एक सदन ने बोल दिया गठन करने को तो कर देंगे, ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की इंक्वायरी अगर करनी हो तो, राइट। जैसे कि 5 ईयर ड्राफ्ट प्लान, कुल मिला के ऐसे 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 ईयर ड्राफ्ट प्लान हो गया, रेलवे कन्वेंशन कमेटी हो गई, कमेटी ऑन एमपी लेड्स हो गया, और इसी तरीके की वेरियस 15 और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की कमेटीज बनाई जाती हैं। दूसरा आता है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, मतलब नाम से ही तो सब बिल्कुल इजी है समझना कि नाम से ही क्या कहना चाह रहे हैं। कमिटीज ऑन बिल्स विच आर अपॉइंटेड टू कंसीडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जैसे कल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय लिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे किसानों के लिए, क्योंकि बहुत हो गया हमें बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन कई ऐसे लॉयर्स का कहना है, यहाँ जहाँ तक मैंने रिसर्च की, कई ऐसे लॉयर्स का, बड़े बड़े लॉयर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट तभी ऐसा किसी लॉज में कर सकता है, बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि प्राइमा फेसी वायलेशन हुआ हो, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया हो तभी सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियंस थे, जिनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, ये स्टैंडिंग कमिटीज को ही दे देना चाहिए था, सॉरी एडहॉक कमिटीज को ही ये दे देना चाहिए था जिसमें एडवाइजरी कमिटीज इसको देख लेती, राइट, क्लियर है। तो एडहॉक कमिटीज हमने देख लिया, इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्यारा चार्ट है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के लिख लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे सबसे पहले है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि आज हम जो दोस्तों सिर्फ बात करेंगे फाइनेंशियल कमेटी के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, बाकी की हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो फाइनेंशियल कमेटी में आपकी आती है पीएसी, ईसी एंड पीयूसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज। अब पीएसी का गठन कब हुआ, 1921 में हुआ, किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। फिर अगर ईसी की बात करें, एस्टिमेट कमेटी, तो ये भी 1921 में गठन की गई, लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर बात की जाए तो 1950 में दोबारा बनाई गई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई। तो आज आपका पहला सवाल कि जॉन मथाई कौन थे, ये आप कमेंट थ्रेड में बताइए कि हु वॉज द जॉन मथाई। फिर पीयूसी यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसका गठन 1964 में किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी, क्लियर। अभी हाल ही में इनकी किताब भी लॉन्च हुई थी। आगे बात करते हैं मेंबर्स पे, तो पीएसी में है 22 मेंबर, 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से, जबकि एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स हैं जो कि सारे के सारे लोकसभा से हैं, कोई भी राज्यसभा से नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट। हालांकि ओरिजिनली इसमें 25 थे, लेकिन 30 कब किए गए सर, 30 1956 में किए गए, कि 25 से संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। पीयूसी की अगर बात करें तो ऑरिजिनली इसमें 15 थे, लेकिन बाद में 1974 में 22 किए गए, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ये सभी के सभी पीआरएस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, पीआरएस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके तहत इन सबको इलेक्ट किया जाता है। सभी का जो कार्यकाल है 1 साल का होता है, स्टैंडिंग कमिटीज है, परमानेंट इन नेचर है। चेयरमैन यानी इन सब कमिटीज के जो चेयरमैन हैं उन सभी को स्पीकर अपॉइंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्पीकर लोकसभा के। अब पीएसी का हेड कौन होता है, पीएसी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं अपोजिशन पार्टी से, ये आप ध्यान रखना। हालांकि 1966-67 तक रूलिंग पार्टी के ही मेंबर इसके अध्यक्ष बनते थे, लेकिन अब बाद में इसको चीज़ को चेंज कर दिया गया, अपोजिशन पार्टी जो भी होंगे सदन में, जो भी अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे वो इसके चेयरमैन घोषित किए जाएंगे, या अपोजिशन पार्टी से कोई भी मेंबर बनेगा।
उसके बाद ईसी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और पीयूसी में, क्योंकि इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से है, लेकिन इसको जो हेड करेंगे ना वो सिर्फ लोकसभा से ही कर सकते हैं, राज्यसभा से इसको कोई भी हेड नहीं कर सकता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चार्ट अच्छे से? बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस और उनके लिमिटेशंस पर। फंक्शंस क्या क्या है देखिए, पीएसी क्या करता है, पब्लिक अकाउंट, नाम से ही समझ में आ रहा था, पब्लिक का अकाउंट, पब्लिक का खाता, तो तीन तरीके के खातों को ये एग्जामिन करता है ये कमेटी। कौन कौन से? एक तो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, दूसरा है फाइनेंस अकाउंट्स, तीसरा है दूसरा कोई भी अकाउंट जो लोकसभा के सामने पेश किया गया है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है खर्चों की, राइट, कि इतना खर्चा आपके लिए फिक्स किया गया था, आपने कितना कर दिया, ये सब देखा जाता है। फाइनेंस अकाउंट में क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट में आय की बात की जाती है और यूनियन गवर्नमेंट उसको कैसे डिसबर्स कर रही है, रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इसकी बात की जाती है। और जो दूसरे खाते हैं वो जो लोकसभा के सामने आते हैं उनको भी एग्जामिन करता है ये कमेटी। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये स्टेट कॉरपोरेशन के अकाउंट को भी एग्जामिन करेगा, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को भी, और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, इन सब को भी एग्जामिन करेगा। ये सब नाम आप याद रखिएगा, ये सब पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बना के डाल दिए जाएंगे। तीसरा, टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, इनके भी अकाउंट को ये लोग एग्जामिन करते हैं। चौथा, टू एग्जामिन मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय लोकसभा फॉर दैट पर्पस। तो लोकसभा ने जितना आपको अनुदान दिया, जितनी राशि आपको ग्रांट की, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना एक्सेस पैसा खर्च कर दिया, उसको भी ये लोग एग्जामिन करते हैं। अब इन सभी एग्जामिनेशन में इनको किसकी मदद लगेगी, इनको मदद लगेगी सीएजी की, तो दे ऑल आर असिस्टेड बाय कैग। तो इसलिए कैग को क्या कहा जाता है, कैग को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के हिसाब से, हैंस कैग एक्ट्स एज गाइड फिलोसोफर एंड फ्रेंड ऑफ कमिटी। किस कमिटी के लिए, पीएसी के लिए, पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए कैग कैसे एक्ट करता है, एज अ गाइड फिलोसोफर एंड फ्रेंड। चलिए अब इसकी लिमिटेशंस पे बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी, नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के लेके रिगार्डिंग इनका कोई भी कंसर्न नहीं है, कोई भी पॉलिसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को ये लोग सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा है कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब सब खर्चे हो गए ना उसके बाद ही तो देख रहे हैं ना, एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पोस्टमार्टम। तीसरा, कांट इंटरवीन इनटू द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो सदन में डेली का जो प्रक्रिया चल रहा है उसके मैटर में लोग इंटरवीन नहीं करते, सीधा वार्षिक एनुअली चीजों को देखते हैं। इट रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये जो भी रिकमेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होगा, बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी मिनिस्ट्रीज पे, आपको मानना है मानिए, आपको नहीं मानना है मत मानिए। पांचवा, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसलिए कोई भी या किसी भी प्रकार का ऑर्डर ये इशू नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है आपको, चार इनके फंक्शंस और पांच इनकी लिमिटेशंस, तो टोटल 9 काम पीएसी करती है। चार्ट मैंने आपको दिखा ही दिया है, क्लासिफिकेशन बता ही दी है, स्टैंडिंग कमिटी वगैरह सब हमने देख ही लिया, क्लियर। चलिए तो आज मेरी तरफ से इतना ही, इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जो हम देखेंगे अपना डिपार्टमेंटल कमिटीज देखेंगे, ईसी और पीयूसी के फंक्शंस और लिमिटेशंस को देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो हमारा रैप अप हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्जुलेटिव कमिटीज और कैबिनेट कमिटीज के ऊपर। तो बने रहे हमारे साथ, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और एनरोल करें हमारे इस यूट्यूब प्रीमियम के कवरेज पे, जिसमें एक्सीलेंट करंट अफेयर्स और एडिटोरियल कवरेजेस हैं, साइट्स सारी अवेलेबल हैं, आप तो कहीं भी जाके मतलब एनरोल कर सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए देवे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं, टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।